गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग पढ़ेंगे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में कि जो भी रिस्पेक्टेड सर्जन होते हैं उनके द्वारा जो भी इंस्ट्रूमेंट्स ऑपरेशन थिएटर में यूज किए जाते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं फोर्सेप्स से। इसको आर्टरी फोर्सेप्स भी कहा जाता है। जब बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाती है तो ब्लड वेसल्स को ये होल्ड करने का काम करता है, ठीक है ना। दूसरी बात अपेंडिक्स डेक्टोमी, जो अपेंडिक्स का ऑपरेशन होती है उसमें इंटरनल ऑब्लिक को स्प्लिट करने में, ऑब्डोमिस को ट्रांसवर्स करने में भी ये हेल्प करता है। इसका यूज ब्लंट डिसेक्शन में भी किया जाता है, यानी कि टिश्यूज को सेफ्टी के साथ सेपरेट करने का जो प्रोसीजर होता है उसको ब्लंट डिसेक्शन कहते हैं, है ना। टिश्यू को सेफ्टी के साथ सेपरेट करने का प्रोसीजर को ब्लंट डिसेक्शन में भी इसका यूज किया जाता है। अब हम लोग देते हैं बीपी हैंडल इसको कहा जाता है। बीपी हैंडल जो ब्लेड का नंबर होती है 10, 11, 12, 15, ये बीपी हैंडल 3 में फिट हो जाएगा, लेकिन जो ब्लेड नंबर 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 होते हैं वो बीपी हैंडल 4 में फिट हो जाता है। दो तरह के बीपी हैंडल होते हैं, है ना, एक 3 और 4, ठीक है, इसको बीपी हैंडल बुक कहते हैं। आगे हम लोग देखते हैं टॉवल क्लिप्स जो होते हैं, टॉवल्स को फिक्स करने में इसका यूज किया जाता है। केबल्स को फिक्स करने में इसका यूज किया जाता है। सक्शन ट्यूब्स को फिक्स करने में इसका यूज किया जाता है। रिब्स को होल्ड करने में, है ना, चेस्ट के जो सेगमेंट्स ऑफ चेस्ट, है ना, तो इस रिब्स को होल्ड करने में भी इसका यूज किया जाता है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं स्वैब होल्डिंग फोर्सेप इसको कहा जाता है। स्किन को सफाई हम लोग करते हैं, है ना, तो इसी के हेल्प से हम लोग करते हैं, ठीक है ना। आगे है इसका यूज मेम्ब्रेन होती है, मेम्ब्रेन को रिमूव करने में भी, लैमिनेटेड जो मेम्ब्रेन होता है उसको रिमूव करने में भी इसका यूज किया जाता है। फंडस को होल्ड करने में भी इसका यूज किया जाता है। जो गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन होती है तो फंडस जो होती है उसको होल्ड करने में भी इसका यूज किया जाता है। आगे है टिशू फोर्सेप। अपेंडिक्स का ऑपरेशन होता है तो अपेंडिक्स को होल्ड करने में भी, पिक करने में भी इसका यूज किया जाता है, ठीक है ना। जो वेसेरियल ऑर्गन होते हैं जैसे कि हार्ट, लीवर, है ना, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, एक्सेट्री ऑर्गन्स, उसको भी होल्ड करने में भी ये इसका यूज किया जाता है। और इसका यूज जो ब्लैडर को के बीच में जो माछे से मार्जिन से कट करने में भी इसका यूज किया जाता है, एक मार्जिन के साथ कट कर सकें। एलिस टिशू फोर्सेप का यूज स्किन को अच्छे से होल्ड करने में इसका यूज किया जाता है। ये जो होती है ना, जो भी लेप्रोटॉमी जो होती है ना, एब्डोमेन में एक इंसीजन लगती है तो उस दौरान जो स्किन को होल्ड करते हैं तो इसी के हेल्प से हम लोग करते हैं, है ना। आगे है जो ये टूथ फोर्सेप आप देख रहे हैं, सूचरिंग के दौरान स्किन को अच्छे से होल्ड करके हम लोग इसके सहायता से हम लोग सूचरिंग कर सकते हैं। स्किन को होल्ड करके अच्छे से सूचरिंग किया जाता है। स्कैल्प को होल्ड करते हैं सूचरिंग के दौरान। ये सूचरिंग में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये टूथ डिसेक्टिंग फोर्सेप इसको कहा जाता है, है ना। तो इस फिगर को आप अच्छे से देखिए, समझिए, है ना, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आगे है प्लेन। ये प्लेन का यूज विसेरियल ऑर्गेन जो होते हैं उसको होल्ड करने में इसका यूज किया जाता है। ब्लड वेसल्स को होल्ड करने में, ब्लड वेसल्स, नर्व्स जो होती है ना उसको होल्ड करने में भी इसका यूज किया जाता है। हर्नियल सैक को भी होल्ड करने में, पकड़ने में इसका यूज किया जाता है, है ना। हर्निया को रिपेयर जब किया जाता है ना तो हर्नियल सैक को पकड़ने में इसका यूज किया जाता है। ये सीजर का यूज तो आप समझते हैं, कट करने में टफ स्ट्रक्चर होती है ना तो उसको कट करने में इसका यूज किया जाता है। और भी जो हॉलो पार्ट होती है
इन्वेस्टिंग लेयर जो होती है ना, तो इसका कट करने में, उस पार्ट को कट करके निकालने में, स्किन को जो वेस्ट स्किन होती है जिसका यूज वो किसी वजह से वो डैमेज हो गई है, तो उसको भी कट करते हैं इन सीजरों के हेल्प से। नीडिल होल्डर होते हैं, नीडिल्स को होल्ड करता है ये। सूचिटिंग करने के दौरान जो नीडिल होते हैं, नीडिल जिस नीडिल का हम लोग यूज करते हैं, तो उस नीडिल को पकड़ने में है ना, नीडिल को फिक्स करके फिर सूचिटिंग किया जाता है, तो उसमें ये हेल्प करता है नीडिल होल्डर्स, नीडिल को होल्ड करता है ये। नाम सही क्लियर है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, रिट्रैक्टर मतलब होता है कि अच्छे से विजुअलाइजेशन के लिए इसका यूज किया जाता है, कि वो पार्ट, अगर ऐसा कोई पार्ट मुझे अच्छे से दिख नहीं रहा हो, एब्डोमिनल पार्ट में हम लोग सर्जरी कर रहे हैं है ना, रिप्रोडक्टिव पार्ट के में भी कुछ सर्जरी के दौरान भी इसका रिट्रैक्टर का यूज किया जाता है, कि अच्छे से उस पार्ट को हम अच्छे से टिशू को देख सकें, जिस कारण से ब्लीडिंग कम हो, कंट्रोल हो, अच्छे लुकिंग दे, अच्छे से बेटर सीन के लिए इसका यूज किया जाता है। ये सीजर कट, इसका यूज टू कट सूचर ऑन स्किन, स्किन में जो सूचरिंग होती है उसमें म्यूकस मेम्ब्रेन को भी कट करने के लिए इसका यूज किया जाता है ना, सूचरिंग के दौरान भी स्किन को कट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। नाम से ही कटिंग सीजर है ये। तो ये काफ़ी अच्छी इंस्ट्रूमेंट्स है जो कि ओटी में यूज किया जाती है इसको। थायरॉयड रिट्रैक्टर मतलब नाम से ही क्लियर है, थायरॉयड को अच्छे लुकिंग, थायरॉयड का जब सर्जरी होती है तो स्किन अगर कोई अच्छे से नहीं दिख रहा है, तो विजुअलाइजेशन के लिए, अच्छा लुकिंग के लिए, कि एक सर्जन जो डॉक्टर होते हैं उनको अच्छे से दिखे है ना, इसलिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है ना। आगे हम लोग देखते हैं, ये रिट्रैक्टर है, लीवर पार्ट में इसका यूज किया जाता है, लेफ्ट लोब लीवर में इसको अच्छे से देखने के लिए विजुअल। देखिए रिट्रैक्टर का यही यूज है कि स्किन को अच्छे से होल्ड करके है ना, विजुअलाइजेशन जो पार्ट में हमको सर्जरी करनी है तो उस पार्ट को अच्छे से दिखना चाहिए, ठीक है ना, कि वो उस पार्ट को पर हम लोग अच्छे से सर्जरी कर सकें और उसका ट्रीटमेंट कर सकें। इसलिए ये रिट्रैक्टर, जितने भी रिट्रैक्टर अलग अलग तरह के रिट्रैक्टर होते हैं जिसका यूज करते हैं ना। आगे हम लोग देखें, ये भी एक रिट्रैक्टर है, एब्डोमिनल इंसिजन जब होती है ना तो उसमें इसका यूज किया जाता है। डीपर लेयर जो बहुत ज़्यादा लेयर होती है, डीपर जो अंदर का लेयर होता है उसको अंदर में भी अगर हम लोग, अगर कोई सर्जन ऑपरेशन कर रहे हैं तो उसको देखने के लिए भी अच्छा विजुअलाइजेशन के लिए ही इसका यूज किया जाता है, रिट्रैक्टर का ही, ठीक है ना। आगे जो हम लोग इसका समझेंगे, आगे है आपका किडनी ट्रे। किडनी ट्रे में हम लोग स्पेसिमेन को कलेक्ट करने के लिए इसका यूज करते हैं। सेफ्टी के साथ शार्प इंस्ट्रूमेंट को एक जगह से मतलब ट्रांसफ़र करने के लिए इसका यूज किया जाता है ना। और ऑपरेशन के दौरान जो भी वेस्टेज बाहर निकलती है तो हम लोग किडनी ट्रे में भी उसके रख सकते हैं है ना, जो वेस्टेज बाहर निकलती है। तो चिटल फोर्सेप का भी एक अच्छा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये। जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स को हम सेफ्टी के साथ बिना इन्फेक्शन से बचाते हैं, तो इसी से हम लोग उसको, इस हर इंस्ट्रूमेंट को होल्ड करते हैं, क्लोथ्स को भी होल्ड कर एक जगह से दूसरी जगह ले जाकर देते हैं, तो ये बहुत अच्छा रोल प्ले करता है ये चिटल फोर्सेप। ब्लेड जो, देखिए फिगर के माध्यम से कुछ बताने का यही मकसद है कि किस पार्ट्स को क्या कहा जाता है, ये जॉइंट है, सांक है, फिंगर रिंग हैंडल है ना, तो इस पार्ट्स को आप समझिए होता क्या है। चलिए आपको आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने फैमिली का ख्याल रखिए।